हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर 2.2, दैट इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स। इसमें हम देखने वाले हैं डाइजेस्ट आंसर, रिलायबल का ही आंसर। नवनीत का ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, और रिलायबल का अलग से प्लेलिस्ट है तो उसका भी आप देख सकते हो, जो भी चैप्टर आपको चाहिए इसके पहले का। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए। मैं आपको यहाँ पर सारे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो नवनीत वाला है उसमें मैंने मतलब उसमें मैंने डिटेल में सारे सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप एक बार उसे भी देख लेना आपको चाहिए तो। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स देना है आपको, लिखना है सी टर्टल्स पे विद द हेल्प इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। सो पैसेज में जो तो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये देख के लिखना है, लिखा हुआ है आपने आंसर देख लिया वैसे ही आपको लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड ब्रीफली यूजिंग द एग्जाम्पल गिवन हियर। यानी कि कंजर्वेशन, नेचर को बचा के रखो थ्रू लाइवलीहुड, यानी कि अपनी रोजी रोटी भी कमाओ, नेचर को बचाओ और उससे अपनी लाइफ भी चलाओ, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो दिया गया, विलेजर्स ने क्या क्या रिस्पॉन्ड किया, टर्टल फ्रेंड्स क्लब एंड ऑफर्ड, क्या ऑफर किया, होम स्टे, टूरिस्ट को क्या किया, घर पर रुकने के लिए मतलब उनको ऑफ़र दिया। सारे विलेजेस में ये ऑफ़र मतलब कि सेम रेट पे हो गया होम स्टे का, एंड 10% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम होम स्टे, और 10% वो उनको इनकम भी आने लगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। 10% वुड गो, अच्छा अच्छा जसपिन, जो उनको रेंट मिलेगा टूरिस्ट से उसका 10% कहाँ पे जाएगा, टर्टल प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया से लोग स्टार्ट होने लगे, आने लगे, कॉन्टैक्ट द स्मॉल विलेजेस इन द कोंकण रीजन, कोंकण रीजन में रोज़ आने लगे, मोर एंड मोर फैमिलीज हेल्प, मतलब ज़्यादा ज़्यादा लोग हेल्प के लिए आने लगे, और होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू 35, और होम स्टे जो फैमिलीज थे ऐसे करके 35 हो गए, और बहुत सारे एज 800 बिगन विजिटिंग वेलाज ड्यूरिंग द टर्टल सीजन, टर्टल सीजन में इतने सारे लोग आने लगे। अब विलेजर्स को भी रियलाइज़ हुआ कि टूरिज़्म किस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, कैसे वो लोग पैसे कमा सकते हैं। इट वाज इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट था कि वो टर्टल की हैचलिंग को, यानी कि उनके बच्चे को जो होते हैं छोटे बच्चे, उनको बचाएं, और ये एग्जांपल बना किसका, कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड, कि अपने लाइवलीहुड के थ्रू, रोजी रोटी कमाने के थ्रू हम क्या कर सकें, नेचर को भी कंजर्व कर सकें। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना। Why have these turtles been protected in India? इंडिया में इन टर्टल्स को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? सो ये टर्टल्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट किया जा रहा है इंडिया में क्योंकि नोटिस किया गया कि कुछ विलेजर्स क्या करते हैं, कंबाइन हुए बीचेस पे और मॉर्निंग में, और क्या करते थे वो, अंडे चुरा लेते थे, बेचते थे या फिर खाने के लिए या उनको बेचने के लिए अंडे चुरा लेते थे। अगर ऐसा ही चलता जाता तो फिर टर्टल्स गायब ही हो जाते, विलुप्त हो जाते, इसीलिए ये कैंपेन चलाया गया, प्रोटेक्ट किया गया। वाई वॉज इट नेसेसरी टू अंडरटेक टर्टल प्रोटेक्शन ऑन अ लार्ज स्केल? तो टर्टल परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, टर्टल क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करते हैं, वे क्या करते हैं, समुंदर को क्लीन रखते हैं, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मरीन इकोलॉजी में, ठीक है, इकोलॉजी में। सो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया कि इनको लार्ज स्केल पे प्रोटेक्ट किया जाए। बाकी के आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, देख लीजिए, बहुत इजी आंसर्स हैं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। वाई वर दोज, वो लोग जो चुरा लेते थे अंडे को वो भी इन्वॉल्व हो गए इस वर्क प्रोटेक्शन के काम में, उसका दो रीज़न बताओ। तो पहला रीज़न क्या है, तो यहाँ पे देखो लोगों को इनक्रेज किया गया कि वो इन कैंपेन में आए, प्रोटेक्ट करें इसको, तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो रॉन्ग कर रहे थे उनके अंडे चुरा के, ठीक है, टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी में, मरीन इकोलॉजी में। दूसरा रीज़न ये हुआ कि उनको पैसे कमाने का रीज़न मिल गया, यानी कि उन्हीं टर्टल्स को वो प्रोटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, और ऑफ़र करके, होम स्टे ऑफ़र करके टूरिस्ट को, तो फेस्टिवल में यानी कि जो वो स्टील चोरी करके वो क्या खा जाते थे थोड़ा थोड़ा से, तो उससे उसके थ्रू वो पैसे कमाने लगे। Why was the projects in next यहाँ पे
वाई वॉज द प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्ट इंटरेस्टेड टू द लोकल पीपल. तो ये जो प्रोजेक्ट था लोकल पीपल इसमें कैसे इंटरेस्टेड हुए, कैसे इन्वॉल्व हुए, तो लोकल पीपल ने क्या किया, हैड टू बी मेड अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द, वही चीज़ कि कितने ये इम्पोर्टेंट है हमारी इकोलॉजी में, टर्टल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो दे हैड टू बी मेड अवेयर दैट दे वर डूइंग समथिंग रॉन्ग बाय स्टिंग. तो कुछ तो वो गलत कर रहे हैं अंडों को चुरा के. एट द सेम टाइम उसी टाइम लोकल लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से पैसे कमाया जा सकता है होम स्टे में पार्टिसिपेट करके. तो इसीलिए ऐसे ही वो लोग भी इन्वॉल्व हुए. बहुत ईजी है ये, है ना. क्वेश्चन ज़्यादा है आई थिंक. ठीक है देखते हैं. ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप देख सकते हो. यहाँ पे देखो दिया गया है कि वाई वॉज द बीच सील्ड. बीच को सील क्यों कर दिया पब्लिक के लिए, तो क्योंकि लोग क्या करते थे, स्मगलिंग करते थे सिल्वर ब्रिक्स को, ठीक है, उस एरिया में पकड़े गए थे. वॉट डू सम पीपल डू द टर्टल, तभी तो वहाँ पे बहुत सारे कछुए देखने को मिले थे क्योंकि वो बीच ही सिल्वर कर दिया गया था. तभी वहाँ पे जब किसी का आना जाना नहीं हुआ तो फिर बहुत सारे अंडे मिले कछुए और उसके अंडे बच्चे. वॉट डू सम पीपल डू टू द टर्टल एज सून एज इट लेज इट्स एग. लोग क्या करते थे, जैसे वो अंडे देते थे बेचारे, व द टर्टल इज कॉट देन किल्ड एंड ईटन. उसको पकड़ ले देते लेते थे वो लोग और बेचारों को खा जाते थे मार के. ये सारी चीज़ें देखिए बहुत ईजी है. यहाँ पर दिया गया वाई व टर्टल एग सीन ऑन द बीच, क्यों देखा गया आफ्टर इट हैज़ बीन सील्ड. जब पब्लिक के लिए सील कर दिया गया तो फिर क्यों इतने सारे अंडे देखे गए बाद में, मतलब व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस, क्या इम्प्लीकेशन हुआ. तो देखो कि यहाँ पे दिया गया टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोंकण कोस्ट लाइन. तो पूरा जो कोंकण कोस्ट लाइन होता है वहाँ पे कछुओं का घर होता था. अ फ्यू पीपल कॉम द बीच इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग थ्रू आउट द ईयर. द एग्स हंटर्स फॉलो द टर्टल्स ट्रेल एंड स्टील द एग्स. द एग्स आर आइदर ईटन और सोल्ड इन द मार्केट. दिस इज अ रूथलेस प्रैक्टिस. दिस इज कैरिड ऑन इन दिस क्वाइट. लोग चोरी छुपे करते थे. नाउन फॉर्म में देखो शैलो, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, शैलोनेस वाइट वाइटनेस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रूथलेस रूथलेसनेस. फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म, अब इसमें क्या करना है आपको, एडजेक्टिव फॉर्म मतलब एडजेक्टिव से आपको बनाना है. तो ईट का एडिबल, स्टडी स्टूडियस, कोस्ट कोस्टल, इंक्लूड इंक्लूसिव. हाउ डू सम विलेजर्स मैनेज टू स्टील द टर्टल एग्स, कैसे विलेजर्स मैनेज करते थे अंडों को चुराने में. तो यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, देख सकते हैं कितने प्रकार के टर्टल्स होते हैं. तो 7 टाइप्स के होते हैं सी टर्टल और 5 जो इंडिया में पाए जाते हैं 5 टाइप्स के. तो सोचो कितनी हम कह सकते हैं ना कि हर चीज़ में इंडिया आ गए. व्हाई डज द फीमेल टर्टल कम ऑन शोर, तो यहाँ भी बोला गया कि फीमेल टर्टल क्यों आती है, क्योंकि उसको बेचारी को अंडे देने होते हैं सैंड में. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द एग्स ऑफ द टर्टल टू हैच, कितना टाइम लगता है, 45 से लेके 50 डेज तक लगता है. नेचुरल हीट से हुई वो हैचिंग होती है उसकी. यहाँ पे बोला गया वाई वर द पीपल आस्क्ड टू लुक फॉर द एग्स और नेस्ट इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे आंसर दिए गए, देख सकते हो आप. चलिए हम आगे आगे देखते हैं, काफ़ी ये लेंदी चैप्टर है. व्हाट डू होम स्टे फैमिलीज डू, होम स्टे फैमिली क्या करती थी, यही हमने देखा है. कोस्ट लाइन पे वो क्या करते थे, क्राउड को अट्रैक्ट करते थे टर्टल फेस्टिवल में. और टूरिस्ट क्या करते थे, टूरिस्ट वर अकोमोडेटेड,
टूरिस्ट इकट्ठे होते थे विलेजर्स के घर पे, और टर्टल फ्रेंड्स क्लब क्या करते थे, इस्टेब्लिश करते थे हर विलेज में मेंबर्स बीइंग ऑल द विलेजर्स ऑफरिंग होम स्टे ऑलवेज वुड नाउ ऑफर द सेम रेट। सभी लोगों ने क्या किया, होम स्टे के लिए सेम रेट बताया, ठीक है। दे गेव 10% और 10% क्या देते थे, टर्टल प्रोटेक्शन फंड में देते थे। ये फंड यूटिलाइज किया जाता था टर्टल्स के कंजर्वेशन के लिए, इन्हें बचाने के लिए। सारे आंसर देखे दिए गए यहाँ पे। आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, मैथ्स के भी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। सारे ही वीडियोज़ अभी आपको मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको हर एक चैप्टर में बताती हूँ कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, सारे ग्रामर मैंने आपको हर चैप्टर में तो एक्सप्लेन किया ही हुआ है। चलिए फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रामर का एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं तो मुझे कमेंट्स आने लगेगा कि मिस आपने ये नहीं समझाया करके। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फ्रेजेस। ये फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक सेंस नहीं बन रहा है, पूरा एक सेंटेंस नहीं है, तो ये फ्रेज है। फ्रेज से क्या हमें बनाना है, सेंटेंस बनाना है, यानी कि यही फ्रेज यूज़ करके। तो देखो यूज़ हुआ है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल, अंडर टेक अ प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट के तहत, सक्सेसफुली ये एडवर्ब्स है, क्या करना है, ये एडवर्ब्स है दोनों ही, और इससे आपको सेंटेंस बनाने। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बनाए गए हैं इससे। करेक्ट ऑल्टरनेटिव हॉज फेयर, तो यहाँ पे देखो माई नायलॉन हॉज, हॉज यानी जो पहना जाता है, ठीक है, तो वो हो गया यहाँ पे। और एक हॉज होता है लॉन्ग हॉज, जस्ट मिनट, ये तो आई थिंक मैं दूसरा ही कुछ बता रही हूँ, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन। ओके, ये उसी चैप्टर का है जो मैं बता रही थी आपको। तो यहाँ पे एक ही वर्ड के दो मीनिंग के आपको सेंटेंस बनाने, ये हमने पढ़ा था ना, कोई तो चैप्टर है जिसमें डबल मीनिंग निकल रहे थे एक ही वर्ड के। फेयर, फेयर का यहाँ पे देखो, ये फेयर हो गया टेम्पल फेयर मेला, और एक फेयर हो गया ये मतलब नहीं सही है, इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। स्पॉट द एरर, एरर आपको स्पॉट करने हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर यहाँ दिया हुआ है, क्या रॉन्ग है वो सही करने हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, क्या करना है, नेगेटिव में लिखना है आपको। तो देखो कैसे लिखा है, नाउ वी डू नॉट, क्यों यहाँ पे डू नॉट आ गया, यहाँ पे था नाउ वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, ठीक है। सो नाउ वी डू नॉट फेल टू हैप्पी सी, तो यहाँ पे नॉट लगा के उससे बना दिया, ठीक है। आर स्ट्रेटजी वॉज टू इंगेज द थीव्स, सो वॉजंट आर स्ट्रेटजी, इसे क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है। तो क्योंकि वॉज है इसका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को अगर हम स्टार्टिंग में लगाएंगे वॉजंट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा बन गया, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे दिया गया है, करेक्ट मॉडल दे, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये तीन दिया हुआ है, तो दे वर, यहाँ पे डब्ल्यू ई आर ई हो जाएगा, दे वर गिवन द फ्रीडम टू डू इट। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे मे वी एंटर द क्लास, यहाँ पे माइट, ओके। ये वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको आना चाहिए। नरेशन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आता ही है एग्ज़ाम में, ठीक है, 9th, 11th, 12th हर स्टैंडर्ड में आएगा ये सारी चीज़ें एक एक मार्क्स के लिए। तो आप देखिए इसे अच्छे से करिए, और ये तो पता ही है, कॉपी द वर्ड्स करेक्टली, कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है जंबल दिए गए हैं, आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी जरूर सपोर्ट कीजिए।